दोस्तों नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन नोकिया 7.1 को लॉन्च किया है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस फोन के कुछ खास फीचर्स के बारे में और क्या यह फोन लेने लायक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोन के अंदर बहुत सी ऐसी डिसअपॉइंटिंग चीजें भी हैं और दोस्तों इस फोन के अंदर कुछ खास फीचर्स भी हैं जो कि फ्लैगशिप ग्रेड के हैं। तो क्या है इस फोन के खास फीचर और दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों बहुत ज्यादा का मतलब है कि बहुत ज्यादा है, तो क्या है इसकी प्राइसिंग, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और भी ऐसे मजेदार कंटेंट देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों यहां पर चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है ये मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और दोस्तों इसमें जो मेटलिक फ्रेम यूज करी गई है वो है दोस्तों एल्युमिनियम के 6000 सीरीज की। तो यह काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी होने वाला है, काफी मजबूत यह फोन होने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर दोस्तों काफी जबरदस्त है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो दोस्तों इसमें देखने को मिलता है 5.84 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन से लेस डिस्प्ले जो कि एक नॉच डिस्प्ले है, यानी कि जो इसकी एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19.5:9। इस फोन डिस्प्ले की अच्छी बात यह है कि यह HDR10 के कॉम्पैटिबिलिटी के साथ में आता है, यानी कि अगर आप कोई भी नेटफ्लिक्स जैसे साइट्स को, सब्सक्रिप्शन साइट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो HDR वाली वीडियोस होती है हाई क्वालिटी की वो आप काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। जो डायनामिक रेंज होगी, जो कलर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे से आपको दिखेंगे और दोस्तों इसका डिस्प्ले कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ प्रोटेक्टेड भी है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस फोन के कुछ इंटरनल्स की। तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और अच्छी बात यह है कि दोस्तों यह जो रैम है वो LPDDR4X रैम है, तो यहाँ पर रैम आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है। बात करें इस फोन के हार्डवेयर की तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एड्रिनो के 509 के साथ में आता है, यानी कि 509 GPU के साथ में आता है। तो जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमराज की तो यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ आपको ड्यूअल रियर सेंसर दिया गया है 12 MP प्लस 5 MP का। यहाँ पर जो मेन सेंसर है उसका जो अपर्चर है वो है f/1.8 और दोस्तों यह जो लेंस है ये आता है जाइस की तरफ से, यानी कि जो लेंस है ये जाइस ऑप्टिक्स वाला है। और इस बार दोस्तों नोकिया ने मतलब कैमरा के अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिए हैं, लाइक प्रो मोड दिया है, लाइव फोकस जैसे फीचर्स को दिए हैं। दोस्तों बहुत ही जैसे फीचर्स हैं, यानी कि आप फ्रंट और बैक कैमरे से एक साथ में फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस फोन के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं इसके बारे में नोकिया ने कोई चर्चा नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको सिर्फ और सिर्फ 8 MP का देखने को मिलता है जो कि काफी बड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है, क्योंकि जो नोकिया 6.1 Plus था उसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिला था लेकिन इस फोन के अंदर हमें सिर्फ 8 MP का कैमरा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। तो दोस्तों 3080 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है जो कि USB Type-C पोर्ट के साथ में आता है और दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है जो कि आने वाला है 18W का। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस फोन के सेंसर्स की तो यहाँ पर आपको फोन में सभी बेसिक तरीके के सेंसर्स दिए गए हैं। इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10 की कॉम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। साथ ही में दोस्तों कैमरा में कई सारे मोड्स जुड़ गए हैं, लाइक यहाँ पर आप रियल टाइम HDR to HDR में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल फोटोज को क्लिक करते हैं तो आप उसको फोटो क्लिक करने के बाद आप उसको HDR में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पर फोटो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, कलर्स और डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर लाइव फोकस का भी ऑप्शन है, यानी कि आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते वक्त आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितना बोके देखने चाहते हैं अपने फोटो के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे कई अच्छे फीचर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है प्राइसिंग की। तो दोस्तों इस फोन की जो प्राइसिंग है वो है यूरोपियन प्राइस में अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो वो दोस्तों तकरीबन आती है 28,000 रुपये। दोस्तों अगर बात करें इस फोन के डिसअपॉइंटिंग करने वाले चीज़ की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 8 MP का फ्रंट कैमरा जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि नोकिया 6.1 प्लस में हमें 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिला और नोकिया 7 प्लस में भी हमें 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिला। अगली जो दोस्तों डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है कि इस फोन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 600
36 देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस फोन की जो कीमत है उसके हिसाब से ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर तो बढ़िया है लेकिन जो इस फोन की प्राइसिंग है उसके हिसाब से ये प्रोसेसर बढ़िया नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर 636 हमें नोकिया के 6.1 प्लस में भी देखने को मिला, और दोस्तों जो 660 था वो नोकिया 7 प्लस में भी देखने को मिला। तो एटलीस्ट इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 660 होने चाहिए थी। उसके बाद दोस्तों इस फोन में एक और डिसअपॉइंटिंग चीज वो लगी दोस्तों, इस फोन की बैटरी जो है सिर्फ और सिर्फ 3080mAh की बैटरी है, तो ये काफी ज्यादा कम है, और आजकल इतनी कम बैटरी वाले फोन लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये जो बैटरी वाली बात है ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है मुझे। दोस्तों अगर बात करें इस फोन के कुछ अच्छी चीजों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप किसी भी सब्सक्रिप्शन साइट्स पर वीडियोस को देखेंगे फुल HD प्लस में या फिर फुल HD रिजोल्यूशन में, तो वहाँ पर दोस्तों आपको काफी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगी, काफी बढ़िया डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली जो अच्छी चीज है वो है दोस्तों इसका जाइस ऑप्टिक्स वाला कैमरा होना, यानी कि 12 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर सेंसर है, और कैमरा के अंदर कई सारे फीचर्स भी हैं, लाइक बोथी मोड में आप फ्रंट और बैक कैमरे से दोनों से एक साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं, एक साथ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रो मोड को भी इस बार नोकिया ने शामिल करा है, प्रो मोड में भी आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप काफी बढ़िया फोटोग्राफी कर सकते हैं इस फोन के कैमरे से। और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर जब भी आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेंगे तो वहाँ पर आप ब्लर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगली अच्छी चीज वो भी है इस कैमरा में कि दोस्तों यहाँ पर रियल टाइम आपको HDR टू HDR कन्वर्टर देखने को मिलता है, यानी कि आप कोई भी नॉर्मल HDR वाले फोटोज क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उसको HDR में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके और अच्छी चीजों के बारे में, तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, एल्युमिनियम के 6000 सीरीज के साथ ही फोन को बनाया गया है, तो ओवरऑल काफी बढ़िया यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इस फोन के अंदर मुझे एक और अच्छी चीज लगी कि इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट के साथ में। तो यहाँ पर फोन जो है 3080mAh की बैटरी को पैचअप कर दिया है ना, यहाँ पर नोकिया ने 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर दे करके, तो ये काफी बढ़िया बात लगी मुझे। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों अगर इस फोन की प्राइस को यूरोपियन प्राइस को इंडियन में कन्वर्ट करा जाए, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस निकल कर आती है वो आती है 27,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस फोन की जो प्राइसिंग है वो इस फोन के फीचर्स को देख करके, इस फोन के स्पेक्स को देख करके बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इस फोन को उस प्राइस पर लेना। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो काफी कम होगी, लेकिन दोस्तों देखनी है कि कितनी कम होगी। यह फोन 11 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो दोस्तों ऐसे में अब मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूं इस फोन को लेकर के। दोस्तों इस फोन के अंदर डिसअपॉइंटिंग चीजें भी हैं, बढ़िया चीजें भी है, लेकिन दोस्तों अगर इस फोन की प्राइसिंग 22,000 या फिर 23,000 रुपये रहती है, तो दोस्तों आप खुद ही सोचो कि उस प्राइस पे आपको पोको F1 में 845 देखने को मिलता है, दूसरे फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलता है, इवन 14,000 रुपये के प्राइस पे आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस फोन की बिल्ड क्वालिटी को अगर हटा दी जाए तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ हद तक रियलमी 2 प्रो इसके सामने खड़ा होने का क्षमता रखता है। और दोस्तों यहाँ पर इस फोन की जो प्राइसिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17,000 से 18,000 रुपये, तब ये फोन कहीं लेने लायक होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फोन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इस फोन की जो प्राइसिंग होगी 22,000-23,000 रुपये, तो ये फोन उस प्राइस पर भी वर्थ नहीं होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हमको और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने नोकिया 6.1 प्लस के बारे में वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर काफ़ी निगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने उस वीडियो को रिव्यूज़ के हिसाब से उस वीडियो को बनाया था, रिव्यूज़ के बेसिस पर मैंने उस वीडियो में बोला था, फिर भी उस वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोचो कि अगर यह फोन 24,000 रुपये के प्राइस पर या फिर 23,000 रुपये के प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होता है, और वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है, और सिर्फ 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि अपन नोकिया 7 में और नोकिया 6.1 में हमें देखने को मिला है 16 MP का फ्रंट कैमरा, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा तो इवन बढ़िया नहीं होने वाला। दोस्तों मेरे हिसाब से इस फोन की कीमत होनी चाहिए 16,000 या फिर 17,000 रुपये, तो ये फोन काफी बढ़िया होगा, काफी लेने लायक होगा यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अगर इस फोन की प्राइसिंग होती है 22,000-23,000, तो बिल्कुल भी वहाँ पर वर्थ नहीं है। दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियन इसी फोन को लेकर के, अब आप क्या सोचते हैं इस फोन को लेकर के मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।